वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुई है, आप में से जिन लोगों ने दी है आप पेपर देख चुके हैं और जो लोग नहीं दिए हैं वो भी देख चुके हैं। खुद से हल करने का पेपर को प्रयास करना चाहिए। प्रश्न पत्र आखिर उसका सामना आपको एक न एक दिन करना है, तो अभी से आप प्रश्नों को एक बार खुद से हैंडल करें तो बेहतर होगा। ये निबंध के प्रश्न हैं और निबंध के टॉपिक हैं असल में, जो कि आयोग के द्वारा दिए गए थे। तीन खंड होते हैं और तीनों खंडों में तीन तीन मुद्दे दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक आपको चुनना होता है और लगभग 700 शब्दों के आसपास रहकर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो टॉपिक है ये है श्रीलंका के आर्थिक संकट पर, माफ कीजिएगा, श्रीलंका के आर्थिक संकट का विश्व पर प्रभाव या दुनिया पर प्रभाव। श्रीलंका पिछले वर्ष गंभीर आर्थिक संकट से घिर गया था, 2022 की बात है। 2021 कोविड का एकदम चरम दौर था और उसके बाद कोविड महामारी तो थी, पर्यटन उद्योग वहाँ काफ़ी फैला हुआ है तो पर्यटन ठप हुआ तो उससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। उसके अलावा भुगतान संतुलन वाली समस्या और विदेशी मुद्रा भंडार वाला जो मामला था वो तो था ही, साथ में सरकार ने कुछ ज़्यादा ही उत्साहित होकर रासायनिक कृषि पर रोक लगा दी तो जैविक कृषि उतना ज़्यादा उत्पादन दे नहीं पाई तो फसल बर्बाद हो गई। ये सारे कई सारे मामले थे, उसके अलावा चीन का कर्ज था और तमाम तरह की दिक्कतें थी। तो इसमें सबसे बड़ा कारण था सरकार की उदासीनता, सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया। इतना बड़ा संकट एक झटके में नहीं आ जाता, धीरे धीरे करके, और इसके आने की आहट बहुत पहले से चल रही थी। तो कुल मिलाकर वो संकट अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, श्रीलंका अभी भी मंदी और उस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, हालांकि अब पहले जैसी एकदम विकृत परिस्थिति नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक दिया गया है, हालांकि थोड़ा सा इसे पूछने में आयोग ने देर कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ यह आपकी बौद्धिक परीक्षा ले रहा है कि आप एक साल बाद इस मुद्दे को किस निगाह से देखते हैं। तत्काल पूछा गया होता तो सब लोग लिख सकते थे, लेकिन इसमें एक साल बाद पूछने का मतलब है कि अब आपको दिखाना पड़ेगा कि एक पड़ोसी अगर हमारा खतरे में है या समस्याओं से गुजर रहा है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ सकता है, यानी जो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से अछूता नहीं है, मतलब एक चीज़ यहाँ पर होगी तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा देर सवेर, भले ही कोई उसको स्वीकार करना चाहे या ना करना चाहे। तो श्रीलंका वाली जो समस्या है उससे हम एकदम से पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखा जा सकता है। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि श्रीलंका में स्थिति क्या है। अब इसमें आपके पास वही दो रास्ते हैं, एक तो पुराना तरीका कि ट्रेडिशनल वे में शुरू करिए, मतलब आप पहले बताइए कि 2021-22 के समय श्रीलंका में आर्थिक विपन्नता की स्थिति पैदा होने लगी थी और बाद में ये और बिगड़ती गई और हालात इतने ख़राब हो गए कि सत्ता का उलट फेर और तख्ता पलट जैसी स्थिति, जनता का एकदम भयंकर आक्रोश, सब आप जानते हैं। तो वो सारी चीज़ों का आप जिक्र करते हुए पीछे से ले आइए। और दूसरा तरीका ये है कि अभी की जो वाजिब स्थिति श्रीलंका की है, मतलब क्या सुधार हुआ है और क्या अभी होना बाकी है, अभी की जो तत्कालिक स्थिति है वहाँ से आप शुरू करें। तो दोनों रास्ते हैं, दोनों में से कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जो पीछे से आप ले आएंगे वो भी बहुत पीछे वाला तो है नहीं, एक साल पुराना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमने क्या किया है। अभी ज्वलंत जो स्थिति है उससे शुरू किया है, बीबीसी की एक रिपोर्ट थी और उसी को हमने आधार बनाया है, तो आप चाहें तो बीबीसी का संदर्भ भी ले सकते हैं। देखिए, आज पहली नज़र में श्रीलंका की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी कोलंबो में ज़िंदगी सामान्य दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट आया है। सड़कों पर ट्रैफिक है, यानी भीड़ भाड़ है, लोग अपना दैनिक काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों और रेस्तरा जो है वहाँ पर लोगों की भीड़ है, पर्यटकों की भीड़ है, पर्यटक भी अब आने लगे हैं जो कि वहाँ आमदनी का सबसे बड़ा साधन माने जाते हैं। दुकानें ग्राहकों से भरी हुई हैं, ये अभी की स्थिति है श्रीलंका की। जितनी तेज़ वो आर्थिक पतन की ओर गया उतनी ही तेज़ी से रिकवरी भी हुई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई है और वो स्वाभाविक बात है, मतलब इतने एक झटके में तो संभव नहीं हो पाएगा। तो आगे आप लिख सकते हैं कि कल्पना करना मुश्किल है, ये तो आपने आज की दशा दिखा दी। आगे आप लिखेंगे कि कल्पना करना कठिन है या मुश्किल है कि एक साल पहले यह देश या यह राष्ट्र गंभीर आर्थिक समस्या से घिरा हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत और सार्वजनिक सेवाओं की जब ठप स्थिति होती है तो वहाँ से फिर चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो जनाक्रोश भड़क उठा, जनता एक हद तक बर्दाश्त की लेकिन उसके बाद गुस्सा काबू से बाहर हो गया। आगे आप क्या लिख सकते हैं, तो सरकार ने इस संकट की वजह को कोविड-19 बताया। सरकार को कुछ न कुछ दलील देने के लिए तो चाहिए ही, लेकिन सही बात यह थी कि जो नीति निर्माता थे वो अपनी नीति बनाने में पूरी तरह से विफल रहे थे। समय रहते वो खतरे को भांप नहीं पाए या जानते हुए भी अनजान बने रहे,
वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर फ्री के रेवड़ी बांटते रहे, ये कहा जा सकता है। रेवड़ी बांटना ये आजकल राजनीतिक मुहावरा बनता जा रहा है, हालांकि ये पुराना है, कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी। तो चीज़ों की कीमत कम रखना, टैक्स की दर कम रखना, तमाम तरह के कारण थे जिसकी वजह से जो कोष है वो घटता गया। अब आइए आगे देखते हैं। कोविड के कारण पर्यटन उद्योग तो बर्बाद हुआ, और वो हर जगह हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंका में हुआ, और उससे बहुत सारी दिक्कतें, मतलब पर्यटन उद्योग जहाँ पर आर्थिक आधार बना हुआ है, तो वही अगर एकदम से ठप पड़ जाए, आना जाना ही बंद हो जाए, तो इससे बहुत गहरा धक्का पहुँचेगा। तो वो एक बड़ा धक्का पहुँचा ही था। उसके अलावा जो खराब आर्थिक नीतियाँ हैं वो उसमें चार चांद लगा रही थी, जनता को लुभाने के लिए कि भाई जनता हमको खुश होकर वोट देगी अगर हम टैक्स में वृद्धि नहीं करेंगे। तो कर की जो दर है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती कर दी गई कि हम आपसे बहुत कम कर ले रहे हैं, टैक्स बहुत कम ले रहे हैं, अब खुश हो जाइए, हमको वोट करिए, है ना। और बाद में जब सरकार खर्च की कटौती के लिए निजीकरण का काम शुरू करती है तो वहां से लोग और नाराज हो जाते हैं। हालांकि निजीकरण अभी भी चल रहा है, निजीकरण के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो यहाँ मुद्दा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यहाँ मुद्दा है जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वहाँ पैदा हुई या सामाजिक एक असंतोष की स्थिति पैदा हुई, उस पर चर्चा करना। तो ये तो हमने दिखा दिया कि अभी तात्कालिक स्थिति क्या है और पीछे का क्या था, थोड़ा सा हमने दो पैराग्राफ में इसको समेट दिया, ज़्यादा फैलाना नहीं है। अब प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया तो आपस में जुड़ी हुई है, लोग आपस में वैश्वीकरण के चलते जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या हम श्रीलंका की समस्या से अछूते रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, अछूते रह नहीं जाएंगे, बल्कि अछूते नहीं रह पाए हम लोग। अभी की जो स्थिति है, एक साल बीत चुका है लगभग, तो ऐसी स्थिति में हम महसूस कर सकते हैं कि वहाँ के खतरों का, हालांकि स्थिति संभल गई, अगर नहीं संभली होती तो दुनिया को और बड़ी बड़ी मुसीबतों से दो चार होना पड़ता, खासतौर पर जो दक्षिण एशियाई देश, ठीक है, उसमें एक शरणार्थियों वाली भी समस्या है। अभी स्थितियां जो हैं वो ठीक हो रही हैं, तो वहाँ से यहाँ पलायन करने वालों की संख्या भी कम हो गई है, नहीं तो तमिल शरणार्थियों से ही पट जाता पूरा, फिर उन्हें हम संभालते रहते, जैसे बांग्लादेश से आते हैं शरणार्थी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण के चलते हम आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम कन्नी तो नहीं काट सकते। भारत इतनी सारी मदद श्रीलंका को भेज रहा था, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि हम खुद ही संकट में हैं, कोविड की वजह से हमारी ही अर्थव्यवस्था जो है वो लचर हो गई, और ऐसी स्थिति में हम इतना बेशुमार हेल्प कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न? तो ये कूटनीति भी है, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो वो बर्बाद होगा, उसके बाद हम बर्बाद होंगे देर सवेर। तो भलाई इसी में है कि पड़ोसी जो है वो गिर रहा है तो उसको उठा लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, यह संभव नहीं है कि प्रभाव दूरगामी, मतलब यह संभव नहीं है कि हम अछूते रह जाएं। यहाँ पर होनी चाहिए थी खड़ी पाई, जो कि नहीं है। चलिए, प्रभाव दूरगामी और व्यापक होंगे, जो प्रभाव पड़ेगा वो दूरगामी होगा और बड़े पैमाने पर उसका जो विस्तार है हम देखेंगे। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ वही शरणार्थियों वाला जो आपने देखा, रिफ्यूजी वाला, वो सब है। यहाँ ये बताया गया कैसे शरणार्थी आते हैं, तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के रास्ते जातीय तमिल समुदाय के जो शरणार्थी हैं वो भारत के लिए समस्या, मतलब बन सकते थे और एक हद तक आए भी, लेकिन बाद में फिर स्थितियाँ संभल रही हैं तो उसमें भी कमी आई है। इस बार आर्थिक और सामाजिक संकट पुनः उसी दिशा में ले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पहली बार खतरे में आया है, इससे पहले भी संकट आए हैं, तो उस समय हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ आ रहे थे, शरणार्थी यहाँ अपना सिर छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तो वो हमने कल्पना इस बार भी की कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। आगे आप चाय, जो चाय बाजार है श्रीलंका का, उसके बारे में कह सकते हैं। ये एक बड़ा निर्यातक है चाय का, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा निर्यातक है, जैसे कि ईरान, तुर्की, इराक, रूस, इस तरह के बड़े बड़े इसके ग्राहक हैं जो कि इससे चाय खरीदते हैं। तो वो निर्यात भी एक हद तक ठप ही रहा, मतलब बाद में चलायमान हुआ, लेकिन एक हद तक बर्बाद हो गया। अगर यहाँ हम बात करें अपने देश की, तो भारत के कुल निर्यात में श्रीलंका की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2015 का जो समय था उस समय 2.16 थी, और 2022 में सिर्फ 1.3, मतलब कितनी तेज़ गिरावट आई है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो कितना भयंकर रहा होगा। और वहाँ काम करने वाले, मतलब अपना फर्म लगा के अपना जो ऑटोमोबाइल वाला सामान है बेचने वाले, टाटा मोटर्स, टीवीएस, इस तरह के जो ऑटोमोटिव फर्म हैं, ये भी अपने हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वाहन किटों का निर्यात रोक देते हैं। वहाँ की स्थितियाँ ही ठीक नहीं थी, वहाँ कौन खरीदेगा, और बनाने के लिए जो अवसंरचना है वो भी गायब हो गई थी। हालांकि अभी परिस्थितियों में आंशिक सुधार अवश्य हुआ है, श्रीलंका अपने आर्थिक अवसाद से उभर रहा है, ठीक है, तेजी से उभर रहा है, परंतु परिस्थितियों में अकस्मात चमत्कार संभव नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। इतनी बड़ी जो बदहाली है वो एक झटके में तो गायब नहीं हो जाएगी। अब जून का हम देखते हैं, ये तो हमने पीछे की चर्चा की ना, अभी लेटेस्ट देखिए, जून का एक सर्वे था, सरकारी सर्वे था ये,
चाहे तो आप यहाँ गवर्नमेंट का सर्वे कह सकते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2023 की जो पहली तिमाही थी, इस वर्ष की बात की जा रही है, जो पहली तिमाही थी उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% कम हो गई। ठीक, ये देखिए। और नकदी की कमी से जूझ रहा है ये जो द्वीप है, द्वीपीय देश है, आप जानते ही हैं, ये अभी भी आर्थिक संकट से बाहर नहीं आया है। इससे मालूम होता है ना, मतलब ये आपने आंकड़ा दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि अभी भी वहाँ स्थिति सुधरी नहीं है। भले ही सामने से दिख रहा है कि भाई सड़कों पर भीड़ भाड़ है और जो होटल और रेस्तरां हैं वहाँ लोग जाकर अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये। 2022 में अर्थव्यवस्था में 7% से अधिक की गिरावट आई थी और तब लोग सड़कों पर उतर आए थे, मजबूर हो गए थे सड़कों पर आने के लिए। राजपक्षे परिवार जो है उसको खारिज कर दिया जनता ने एक सिरे से, उन्हें छोड़ के भागना पड़ा सब कुछ, है ना। तो जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, बस देर से जगती है, यही बात। बीते मार्च में लेनदार जो है उनके साथ लंबित ऋण भुगतान पुनर्भुगतान करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए असल में लगभग $3 बिलियन का बेल आउट, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऋण नहीं है, एक तरह का बेल आउट है, जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लेने के लिए समझौता किया गया। हालांकि देखिए, अब IMF का आप आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ आश्वासन दिया गया उसके द्वारा कि हम संभाल लेंगे, आप हमारी शरण में आए हैं। जैसे भारत को भी जाना पड़ा था एक बार, आप जानते ही हैं 1991 का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था, हम उससे गुजर चुके हैं। तो हालांकि श्रीलंका जैसी बुरी स्थिति नहीं आई थी, और उसमें वजह ये थी कि नीति निर्माता जो है वो तत्काल उसको संभाल लिए थे, जो स्टेप लेने थे उसको एक झटके में लेकर वहाँ जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक किया गया था। यहाँ जब एकदम बिगड़ गया तब संभालने का प्रयास शुरू हुआ, वो भी सरकार ने किया नहीं, तो इसलिए वो नौबत आ गई थी। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऐसे मामलों में अपने सदस्यों की मदद करता है, ठीक है, तो वो यहाँ आश्वासन दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उतना जो है वो सफिशियंट नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए। पर्यटन उद्योगी अभी भी संभलने का यत्न ही कर रहे हैं, समझौता वगैरह चल रहा है। अब आगे देखें, विदेशी मुद्रा भंडार खराब दशा में तो है ही। उसके अलावा जो पीछे की स्थिति थी उसमें रासायनिक कृषि पद्धति को खारिज करके हम इको फ्रेंडली बनने का, मतलब श्रीलंका जो है वो इको फ्रेंडली बनने का प्रयास, अब ऐसे में जैविक कृषि शुरू कर दी, उसके लिए कोई ढांचा पहले से था नहीं, न टेस्ट किया गया था कि भाई इसको आजमाने के बाद उत्पादन कैसा होगा। तो आप जानते ही हैं कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किसी ने भी, मनुष्य मतलब पूरे पृथ्वी की बात की जा रही है, किसी ने भी ऐसे खुश होकर नहीं शुरू किया है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपज पाने के लिए हमने ये काम किया है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और उतनी बड़ी जनसंख्या को अगर खिलाना है तो अनाज भी ढेर सारा चाहिए, और सिर्फ गोबर की खाद डालकर और नीम का पाउडर छिड़ककर और खली डालकर हम कीड़ों को भगा नहीं सकते और खाद नहीं दे सकते, उससे उत्पादन मध्यम दर्जे का होगा जैसे पहले होता था। तो उस समय तो आबादी कम थी तो उतना ही बहुत होता था, लेकिन अब जैसी जनसंख्या है उसके लिहाज से जो केमिकल फर्टिलाइज़र या आपके पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया है। श्रीलंका ने क्या किया, छोटा प्रयोग करने की बजाय एक झटके में उसका काम वहीं ठप कर दिया, तो इससे इनका उत्पादन भी खराब हो गया। मतलब एक तो भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं, ऊपर से जो खाद्यान्न संकट है वो घेर ले तो फिर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, आप जानते हैं। भारत के सामने ये दिक्कत नहीं थी, भारत की फसल नहीं बर्बाद हुई थी, फसल पहले से जैसी चल रही थी उसी हाल में थी, ऊपर नीचे होता था, लेकिन उतना बर्बादी नहीं थी। दिक्कत असली थी कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो यहाँ देखें, जो रासायनिक कृषि पद्धति है उसका परिहार करने के चक्कर में खराब फसल, ये एक कारण था। भारी सरकारी व्यय खर्चा, धीमी वृद्धि, मतलब ग्रोथ रेट धीमा है, आपने जो कर्ज है उनमें भी कटौती कर दी है, $35 बिलियन का भारी विदेशी ऋण श्रीलंका की कमर को तोड़ रहा था। अब IMF जो है वो आश्वासन दिया है लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। अच्छा, यहाँ एक संदर्भ लिया गया है, स्वीडन की एक कंपनी है, नाम नहीं लिया गया है, आप चाहें तो खोज कर लिख भी सकते हैं। तो साउथ ईस्ट में ये व्यापार करने वाली कंपनी है, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करती है और यहाँ से प्रॉफिट कमाती है। तो इसके मुख्य निवेश अधिकारी का कहना है कि दक्षिण एशिया के सामने एक बड़ा तूफान खड़ा है, बड़ा संकट खड़ा है, श्रीलंका सिर्फ उसमें एक शुरुआत है। ऐसे ही पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश जैसे जो राष्ट्र हैं इनकी भी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, ये उसी ओर झुक रहे हैं, उसी ओर इनका जो झुकाव है वो दिखाई दे रहा है। सवाल केवल एक महाद्वीप के खंड का नहीं है, अगर हम बात दक्षिण एशिया की करते हैं तो ये सिर्फ एक टुकड़ा होगा, तो एक टुकड़े का नहीं है, ये दिक्कत पूरी दुनिया के साथ है। जब से कोविड का पूरा संकट टला है, मतलब अभी के लिए तो टल ही गया है यही मानते हैं, तो इस परिस्थिति में जो देश हैं वो उबर नहीं पाए हैं पूरी तरह से। उसके बाद तमाम तरह की विसंगतियाँ, एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, जलवायु एकदम से हमारे प्रतिकूल हो चुकी है, हम ही ने किया है, और दूसरी चीज़ ये कि जो देश हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी की पटरी आपस में नहीं बैठ रही है, युद्ध की संभावनाएँ जो हैं वो सिर पर बैठी हुई हैं।
तो ये सब जो चल रहा है ना दुनिया में, इसकी वजह से आर्थिक समस्याएं आएंगी, पहले भी आई हैं और अभी भी आएंगी, ठीक है। तो पूरी दुनिया वित्तीय मामलों में बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। लोग दावा भले ही करें कि इकोनॉमी जो है वो इतनी ट्रिलियन और इतने बिलियन और इतने मिलियन हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अभी की जो पूरी स्थिति है, पूरा सिनेरियो है, उसको भी तो देखें, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कोविड या वैश्विक झगड़े इस तरह के, और जलवायु का कहर ऊपर से है, जलवायु की जो स्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, तो इन सब की वजह से जो संकट है वो पूरी दुनिया के सामने कमोबेश है, इसको हम कह सकते हैं। अब इसका उपसंहार कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और कुछ लोगों ने कहा कि शब्द सीमा का ध्यान ही नहीं है। भाई देखिए, 700 शब्द आप गिनकर नहीं लिख सकते, ये संभव नहीं है कि आप एक निबंध लिखें और उसके बाद बैठकर गिने कि 700 हुआ कि नहीं, एकदम नाप कर नहीं। वो तो एक रेंज आपको दी जाती है ना कि लगभग, वहाँ ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, लगभग 700 शब्दों में एक निबंध लिखिए, यानी एक लघु निबंध आयोग आपसे लिखवाना चाहता है। 700 शब्द का मतलब होता है कि वो लघु निबंध होता है। अगर 500 या 600 शब्द का रेशियो रहे, जैसे आर ओ आर ओ में होता है 600 का, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो अति लघु निबंध हो जाएगा। दीर्घ निबंध जो है वो 1000 से ऊपर वाला होता है, जैसे यूपीएससी आपको देता है। तो इसमें आपकी रेंज 700 से लेकर 800 और कभी कभी 850 तक जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन ये नहीं करेंगे कि अब 1000 पहुंचाने लगे, वो काम नहीं करना है। तो अति नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 हम कर सकते हैं, वो निबंध की आवश्यकता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपका 600 शब्द में सारा कुछ हो गया हो, सब कुछ आपने बहुत अच्छे ढंग से कह दिया हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है उसको 700 पहुंचाने की। और ये भी संभव है कि आप 800 850 तक लिखने के बाद तब संपूर्णता दे पा रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा तो लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन अति नहीं करनी है बस। तो नाप कर नहीं लिखना होता है, गिन कर नहीं लिखना होता, अंदाजा आपको होना चाहिए। अब हम लिख सकते हैं उपसंहार, इसका समापन कर दें, कि आज वैश्वीकरण ने हमें इस कदर जोड़ दिया है, आपस में संबद्ध कर दिया है, कि हम चाह कर भी अपने पड़ोसी देशों की परिस्थितियों से बच नहीं सकते। अगर हम पल्ला झाड़ लें कि वहाँ कंगाली आई हुई है, लोग जो हैं वो सड़कों पर लाइन लगा के खड़े हैं, बिजली नहीं आ रही है, कटौती लंबी हो रही है, दवाएँ नहीं मिल पा रही हैं, तमाम तरह की दिक्कत है, तो उससे हमें क्या, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, तो हमें क्या, लेकिन हम कितने दिन तक बचे रह सकते हैं, ये भी तो बात है। तो ऐसे में हम परिस्थितियों से बच नहीं सकते, हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वैश्वीकरण बिल्कुल एक चेन की तरह से होता है, चेन की जैसे कड़ियाँ होती हैं, जंजीर की जैसे कड़ियाँ होती हैं, वैसे ही यहाँ पर कड़ियों की भूमिका निभाते हैं दुनिया भर में जो बिखरे हुए देश हैं, ठीक है। यदि एक भी कड़ी बीच से टूटती है तो आप जानते हैं कि चेन बर्बाद हो जाती है, तो वही हाल यहाँ भी है, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी अगर बीच में से एक कहीं ख़त्म हुआ, ठीक। अतः न सिर्फ हमें सचेत होने की आवश्यकता है, बल्कि कमज़ोर होती हुई कड़ी को संवारने का भी दायित्व अपना ही है, यानी सभी देशों का है, मानव जाति का है, और भारत इस मामले में हमेशा आगे पहल करता है, अग्रणी रहा है। तो इस तरीके से आप समापन कर सकते हैं, और यहाँ पर यह निबंध समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए।